वेलकम व्यूवर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्योतिष रेसिपी पर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट ब्राउनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। सो नाउ लेट्स कुक टुगेदर। यहाँ पर हमने बेकिंग पैन लिया है, इसे हमें तेल या बटर से ग्रीस करना है और इसके ऊपर बटर पेपर लगाएंगे। बटर पेपर पर भी हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देंगे। चॉकलेट ब्राउनी बनाने के लिए हमें डार्क चॉकलेट चाहिए। अब हमें इसे डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करना है। एक गंजे में हमें पानी उबालने के लिए रखना है, उसके ऊपर हम एक बाउल रखेंगे। इस बाउल में हमें 150 ग्राम डार्क चॉकलेट लेना है। धीरे धीरे ये चॉकलेट मेल्ट हो रही है। इस वक्त हम इसमें 100 ग्राम बटर डालेंगे और इसे भी मेल्ट होने देंगे। अब हमें दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। चॉकलेट और बटर दोनों चीजें आपस में अच्छे से मिलजुल जाना चाहिए। अब हमारा स्मूथ सा चॉकलेट मिक्सचर रेडी है। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है। अब इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब एक बाउल के ऊपर हम छन्नी रखेंगे और एक कप हम इसमें मैदा डालेंगे। इसी के साथ 3/4 कप हमें पीसी हुई चीनी डालना है, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा और 2 चम्मच कोको पाउडर डालेंगे। इन सारी चीजों को अच्छे से छान लेना है। इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा मिक्सचर रेडी है। अब हम इसमें चॉकलेट वाला मिश्रण डालेंगे। और मिक्स करते रहेंगे। अब हमें इसमें 1/2 कप के आसपास दूध डालना है। दूध हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। दूध डालते डालते हमें मिक्सचर को मिक्स करते रहना है। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे बेकिंग पैन में ट्रांसफर कर लेंगे और 2-3 बार टैप करेंगे, जिससे एयर बबल निकल जाएंगे। अब हम इसे प्री हीटेड कढ़ाई में रख देंगे 40 से 45 मिनट के लिए और इसे कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखना है। 25 मिनट बाद हमने चेक किया, ब्राउनी को हमें और 20 मिनट के लिए पकाना है। हमें इसे कवर कर देना है। 20 मिनट बाद ढक्कन खोलने पर हमारी ब्राउनी तैयार है। ब्राउनी बहुत ही डिलीशियस बनी है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। अब हम दूसरे बाउल में 50-50 ग्राम मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट डालेंगे। इसको फिर से डबल बॉयलर मेथड से मेल्ट करेंगे। अब हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इसी को चॉकलेट गनाश कहते हैं। अब हम ये मेल्टेड चॉकलेट ब्राउनी पर डालेंगे और सभी तरफ फैलाकर सेट होने देंगे। इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ और ग्लॉसी बना हुआ है और इसे गार्निश करने के लिए हम इस पर चोको चिप्स डालेंगे। अब इसे सेट होने के लिए 1/2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रखेंगे और इस तरह से हमारी चॉकलेट ब्राउनी तैयार है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।